हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों का हमारे एस बी अकेडमी नावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज फिर हम अपना एक फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए हम एक लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। हमारे जो 13 नंबर लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 13 नंबर जो प्रश्नावली थी, ठीक है। और आज हम चलते हैं अपनी 14 नंबर प्रश्नावली, जिसका नाम है बच्चों परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठीक है। जो हमारे पास आयताकार आकृतियाँ होंगी या त्रिभुजाकार आकृतियाँ होंगी, उनका हम आज आयतन और परिमाप और क्षेत्रफल जो है हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा। जरूरी बात ये है कि बच्चों, यदि आपके पास आयताकार है, क्या है आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वो होता है लंबाई
है, चौड़ाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बच्चों आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ रखेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुना लंबाई का मान कितना देता है 30 सेंटीमीटर और प्लस में 48 सेंटीमीटर। 48 और 30 को जोड़िए 30 और 40 70, 70 और 8 कितने हो जाते हैं 78। तो 2 गुना 78 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 156। 8 × 16 6 और 156 सेंटीमीटर। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 156 सेंटीमीटर। लिख लीजिए इसको। अब इसी प्रकार से आपको ये पता चल गया होगा किस प्रकार से इसको करना है, तो सेकंड के सारे पार्ट इसी प्रकार से आपको करने हैं बच्चों। अब हम देखते हैं इसका 3 नंबर प्रश्न, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा ज्ञात करते हैं सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो इनमें हमें सूत्र लगाने हैं। ठीक है, और परिमाप ज्ञात करना है। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों सेगा। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि पहला आपको दे रखा है त्रिभुज, जिसमें 3 बुलंद है। अपना 5 नंबर प्रश्न, इसको लिख लीजिए अच्छे से।
की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इससे मैदान का क्षेत्रफल याद करना है। इसी प्रकार से आपने ये याद करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक आयताकार टावेल की लंबाई दे रखी है 125 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, इस टावेल का परिमाप कितना होगा? तो मैं प्रश्न नंबर 6 आपको बता रहा हूं। टावेल की लंबाई हमें दे रखी है 125 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। हमें याद करना है बच्चों टावेल का परिमाप, जो यहाँ लिखेंगे हम टावेल का आप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा लंबाई का मान है हमारे पास 125 सेंटीमीटर प्लस में 60 सेंटीमीटर, तो 125 और 60 कितने हो जाएंगे बच्चों 185। 2 गुणा में 185 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 185 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा, ठीक है। और 170 5 में 10 1 और 8 में 16 और 1 17 7 और 2 और 1 ठीक है। तो ये हमारा 370 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 370 सेंटीमीटर, लिख लीजिए इसको। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। इस खेत की क्या ज्ञात करनी है हमें, भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि चारों तरफ यानी वर्गाकार है, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ वृत्त में क्या होता है बच्चों की सारी साइडें बराबर होती है, यानी ये वर्ग है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये मान लिया, सारी की सारी बराबर होती है। अब चारों ओर इसके लगाने के लिए उसने 260 मीटर लंबे कटीले तार की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो 260 मीटर लंबा इसने तार लगाया, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB। हम यदि सभी को जोड़ें AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में क्या आएगा AD बराबर में टोटल देगा उसने 260, ये कितना आ जाएगा सारे के सारे बराबर हैं, AB प्लस में इसको ही मैंने AB लिख लिया, इसको ही मैंने AB लिख लिया और इसको ही मैंने AB लिख लिया, बराबर है 260। तो ये कितने 4 AB आ जाएंगे, ये 4 AB बराबर 260। AB की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 260 बटा में कितना आ जाएगा 4, और इसको हम अभी कैंसिल करें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 130 बटा में 2। इसको कैंसिल करेंगे 130 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 मीटर। यानी भुजा जो है हमारी वो क्या आ जाएगी 65 मीटर। लास्ट में लिख देंगे
वर्गाकार खेद की उदाहरण, वर्गाकार खेद की उदाहरण 65 मीटर क्या आ जाएगी, 65 मीटर लिख लीजिए इसको अच्छे से। जो हमें प्रश्न नंबर 8 दे रखा है बच्चों, वो दे रखे हैं कमरे के फर्श की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा पूरा ढक लेती है, इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बच्चों आपको बताइए लंबाई गुणा में चौड़ाई, 8 मीटर गुणा में 7 मीटर यानी 756 मीटर की स्केयर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। अब वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करना है बच्चों। ऑल द बेस्ट।